सामने से कुछ चोर आते दिखाई दिया। चोरों ने पूछा, कौन हो तुम? उत्तर मिला, भाई जो तुम हो वही मैं भी हूँ। अस्तु चोरों ने तुलसीदास को भी चोर मानते हुए कहा, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, मैं चोरी करने हमारे साथ। दो चोर ने तुलसीदास जी से कहा कि तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहो, कोई आता जाता दिखाई दे तो हमें खबर कर देना। चोरों ने अंदर जाकर सामान जमा करना शुरू ही किया था कि तुलसीदास जी ने जोर जोर से शंख बजाना शुरू कर दिया। चोर बाहर निकला और देखा बाहर कोई नहीं था। चोर ने उनसे पूछा, शंख क्यों बजाया जबकि यहाँ कोई नहीं है? वे बोले, श्री राम जी आपको चोरी करते हुए अवश्य देख लिया है, वे आपको अवश्य ही पाप का दंड देंगे। उन चोरों को अपने किए गए कर्मों पर घोर पश्चाताप हुआ। वे सभी तुलसीदास जी के चरणों पर गिर पड़े और बोले, महात्मा जी आपने आज हमारी आंखें खोल दी है, आज से हम कभी भी चोरी जैसे बुरे कर्मों को नहीं करेंगे। वे सभी चोरी करना छोड़ कर सच्चे मार्ग पर ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े और ईश्वर की भक्ति करने लगे। और मान लीजिए।